जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली सोमवार की रात कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और ऐसी जानकारी मिली है कि वे अभी ठीक हैं। गांगुली की रिपोर्ट्स रात में आई और पूर्व कप्तान इस समय एकांतवास में है, यानी कि क्वारंटाइन है। बीसीसीआई सूत्र ने भी इस मामले में पहले बात की थी। सूत्रों के मुताबिक गांगुली की आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हालांकि अब वुडलैंड्स हॉस्पिटल में गांगुली के हेल्थ पर आधिकारिक बयान भी जारी क्या है। बता दें दोस्तों, बयान के मुताबिक गांगुली ने उसी रात मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी प्राप्त की थी। इसमें उन डॉक्टर्स के नाम भी बताया गया जो गांगुली के स्वास्थ्य स्तर का ख्याल रख रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, बयान में जो बातें सामने है उसमें कहा गया है कि बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को कोविड पॉजिटिव नतीजे के बाद सोमवार की देर शाम वुडलैंड्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बयान में यह कहा गया कि उसी रात उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी प्राप्त की और इस समय उनकी हालत एकदम स्थिर है। डॉक्टर आफ्ताब खान और डॉक्टर देवी शेट्टी की सलाह के साथ डॉक्टर सरोज मोंडल, डॉक्टर सप्तऋषि बासु और डॉक्टर सौतिक पांडा का मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य स्तर पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं। इससे पहले गांगुली को लेकर दोस्तों खबरें सामने आई थी। गांगुली की पत्नी ने उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि गांगुली को हल्का बुखार आया और रविवार को गला सूख भी रहा था, तो अचानक से उन्होंने बताया कि इसके बाद गांगुली को तुरंत उनको क्वारंटाइन यानी एकांतवास किया गया और उनका टेस्ट भी हुआ। अब दोस्तों डोना ने आगे जानकारी दी दोस्तों किस तरीके से। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष अभी ठीक है और उनकी हालत भी स्थिर है। डोना ने कहा कि वो ठीक है और उनके स्वास्थ्य मापदंड इस समय सही है और उन्हें कोई भी परेशानी इतनी नहीं है हेल्थ को लेकर। सौरभ को हल्का फुल्का बुखार था लेकिन टेस्ट कराना भी जरूरी था। रविवार से उनका गला सूख रहा था और उन्हें तुरंत एकांतवास क्वारंटाइन कराया गया। डोना ने आगे कहा कि पिछले साल स्नेहा सीस द कोविड की चपेट में आए थे, जो सौरभ गांगुली के बड़े भाई हैं। मेरे माता पिता, मेरी सास को भी कोविड हुआ था। हमारे घर में काम करने वाले कई लोग अलग अलग समय में कोविड की चपेट में आए थे। ऐसा नहीं है कि कोविड अचानक हमारे घर में आया। दादा को जिस पल बुखार महसूस हुआ उन्हें तुरंत ही कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर दिया गया था, परिवार से अलग कर दिया गया था। शायद इसीलिए मेरा और सना यानी कि डोना और सना का जो टेस्ट किया गया वो नेगेटिव पाया गया, यानी गांगुली की बेटी और गांगुली की जो वाइफ है वो उनका टेस्ट नेगेटिव पाया गया। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि टीम इंडिया के मतलब सबसे बेशकीमती नगीनों में से एक हैं सौरव गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में जब से कदम रखा है कप्तान के रूप में, खिलाड़ी के रूप में और बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में, इन्होंने बदल के रख दी है पूरी टीम इंडिया। ये बात तो दोस्तों हकीकत है, टीम इंडिया नहीं उसका फ्यूचर भी बहुत आगे ब्राइट नजर आ रहा है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी खबर सामने है सौरव गांगुली की हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।